Hello friends. So friends, let us continue with overhead costing. Right? And what we have been discussing was the secondary distribution of overheads. Right? So what we were discussing, we're discussing about methods of secondary distribution of overheads. राइट तो हमने लास्ट लेक्चर में अब क्या कवर किया था. लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो फर्स्ट मेथड था वो कवर किया था, दैट वाज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखा था कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विस दे रहा है तो उस सर्विस को हमें इग्नोर करना है. राइट सो वी डोंट कंसिडर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट. तो सर्विस डिपार्टमेंट की जितनी भी टोटल कॉस्ट है इट इज़ टू बी डायरेक्टली अपोर्शन बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. राइट यही किया था हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में. अब हमारे पास आ गया इसका दूसरा मेथड. अब दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड अंडर द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड राइट. अब स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या है, वो बोलता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है लेकिन उसे ले नहीं रहा. चलो अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं. अब मेरे पास एक एग्जांपल ये बनेगा कि मेरे पास तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, P1, P2 एंड P3, और मेरे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 एंड S2. राइट अभी तक हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में किया था कि S1 और S2 की जितनी भी टोटल कॉस्ट है अंडर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज टू बी डायरेक्टली अपोर्शन बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. राइट बेसिस आपको क्वेश्चन में दिए होंगे. अब स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या बोलता है कि जो S1 है S2 को सर्विस दे रहा है. राइट लेकिन S2 S1 को सर्विस नहीं दे रहा. राइट वन सर्विस डिपार्टमेंट इज गिविंग सर्विस टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट बट इज नॉट रिसीविंग द सर्विस फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट. S1 S2 को सर्विस दे रहा है लेकिन उससे ले नहीं रहा. तो इस केस में वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी. इस केस में वो कहता है सबसे पहले हम S1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. राइट सबसे पहले S1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन P1 P2 P3 एंड S2. राइट फिर S2 की जितनी टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट का क्या मतलब, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट थी प्लस यहाँ पर जो अपोर्शन कॉस्ट आई, उस टोटल कॉस्ट को फिर हम किस में डिवाइड करेंगे, P1, P2 एंड P3 में. क्लियर. सबसे पहले उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे जिस सर्विस डिपार्टमेंट ने सर्विस दी है दूसरे डिपार्टमेंट को. इसलिए सबसे पहले S1 की कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे, उसके बाद S2 की जितनी टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट मींस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट प्लस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में S1 की कॉस्ट का जितना शेयर है टोटल करके फिर उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे. क्लियर. अब इसमें एक केस और आएगा मेरे पास. दूसरा मेरे पास केस आता है, मेरे पास तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, P1, P2, P3, तीन सर्विस डिपार्टमेंट हैं, S1, S2 एंड S3. राइट अब हुआ क्या, S1 ने सर्विस दी S2 को भी एंड S3 को भी, S2 ने सर्विस दी S3 को. समझ में आया, इसने S2 को भी सर्विस दी, इसने S3 को भी सर्विस दी, S2 ने भी S3 को सर्विस दी.
क्या ये क्या S1 S2 से सर्विस ले रहा है? नहीं ले रहा। क्या S1 S3 से सर्विस ले रहा है? नहीं ले रहा। क्या S2 S3 से सर्विस ले रहा है वापस? नहीं ले रहा। सर अब इस केस में क्या हुआ कि इस केस में अब मेरे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने सर्विसेज दी लेकिन वापस नहीं ली। मेरे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने सर्विसेज दी लेकिन वापस नहीं ली, तो इसको हम किस केस में लेंगे? स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। लेकिन अब एक क्वेश्चन इस केस में ये आया कि हमारे पास, मैंने अभी ऊपर बोला था कि हम उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पहले अपोर्शन करेंगे जिसने सर्विस दी। सर यहाँ पर तो मेरे पास अब दो डिपार्टमेंट्स आ गए, अब मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि मुझे S1 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है या S2 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? तो अब यहाँ पर जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का बेस बनेगा कि जिस डिपार्टमेंट ने ज़्यादा सर्विस दी, जिस डिपार्टमेंट ने ज़्यादा सर्विस दी वो डिपार्टमेंट को हम पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ज़्यादा सर्विस किसने दी है? S1 ने। क्यों? क्योंकि इसने S2 को भी दी और S3 को भी दी है, राइट? सो कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट गिविंग मोर सर्विस विल बी अपोर्शन्ड फर्स्ट। क्लियर? इसका मतलब है सबसे पहले हम S1 की कॉस्ट को करेंगे अपोर्शन, राइट? उसके बाद जितनी टोटल कॉस्ट आएगी फिर S2 की कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे, फिर जितनी भी कॉस्ट आएगी S3 की कॉस्ट क्या होगी? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस S1 प्लस S2, ये इसकी टोटल कॉस्ट बनेगी। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स P1 P2 एंड P3 में। क्लियर? S2 की कॉस्ट क्या बनेगी मेरे पास? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस S1। क्लियर? तो बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपके पास दो डिपार्टमेंट्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा सर्विस प्रोवाइड की है, दैट द कॉस्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट विल बी अपोर्शन फर्स्ट, राइट? सी, अगर आप ज़्यादातर क्वेश्चन देखोगे बुक्स में तो आपके पास दो ही सर्विस डिपार्टमेंट्स होंगे, बट यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास तीन सर्विस डिपार्टमेंट आ गए तो उस केस में हमें कौन से सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पहले अपोर्शन करना है, जिस सर्विस डिपार्टमेंट ने ज़्यादा सर्विस दी है। क्लियर है? तो ये हमारे पास स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन दिस, राइट? Self Help Limited has gensets and produces its own power. Data for the power cost are as follows. Needed capacity production for the production departments A and B 10,000, 20,000. Service departments 12,000, 8,000. Used during the month. Power use kitni hui? 8,000, 13,000, 7,000 and 6,000. Clear? During the month, costs for generating power amounted to 9,300. Total cost kitni thi? 9,300. Of which 2,500 is fixed, right? And the remaining one is variable. Clear? 6,800 is variable. Service department X renders services to departments A, B and Y in the ratio of 13:6:1. While Y renders service to departments A and B in the ratio of 31:3. Given that the direct labor hours in the departments A and B are 1650 and 2175, find out the power cost per labor hour in each of these two departments. Right? So now, what you have to do is, सी, अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, जो एक्स है वो तीन डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, किस किस को? ए को, बी को और वाई को। वाई क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट है, लेकिन वाई किसको दे रहा है? वाई सिर्फ ए और बी को दे रहा है। दैट मींस ये जो एक्स है, एक्स
ए को भी दे रहा है, एक्स बी को भी दे रहा है, और एक्स वाई को भी दे रहा है. लेकिन वाई जो है वो सिर्फ बी को दे रहा है और ए को दे रहा है, वो एक्स को नहीं दे रहा सर्विस. क्लियर? तो ये मेरा क्या बना? स्टेप लैडर का केस बना, राइट? अब इसने क्या कहा है, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है. उसने कहा टोटल जो एक्सपेंसेस थे वो थे 9300, उसमें से 2500 जो थे मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे. अब ये हमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस का फंडा क्यों दिया गया? सी, उसने कहा जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो थे 9300, इसमें से मेरे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे 2500, तो मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या हुए? अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है. फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारी लेवल ऑफ प्रोडक्शन से, हमारी लेवल ऑफ यूजेज से वेरी नहीं करते, जो फिक्स्ड हैं, राइट? अब इस केस में देखो, उसने कहा जो नीडेड कैपेसिटी थी, दिस इज योर बजटेड कैपेसिटी, दिस इज योर बजटेड कैपेसिटी, मतलब रिक्वायर्ड कैपेसिटी थी 10,000, 20, 12, लेकिन एक्चुअल जो यूज हुई वो ही 8,000, 13,000, 7,000 and 6,000. अब मुझे ये बताओ, ये जो 2500 के फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं ये हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, बजटेड की रेशियो में या यूजेज की रेशियो में? मैंने वर्ड क्या यूज़ किया था कि जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो हमारी यूजेज के साथ वेरी नहीं करेंगे. अगर हमारी यूजेज के साथ वेरी नहीं करेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे हमारी बजटेड कैपेसिटी से, कि चाहे वो 10,000 यूज़ करे, चाहे वो 8,000 यूज़ करे, इतना खर्चा तो होगा ही होगा. वो कहता है अगर इतना हो गई होगा तो हम फिर तो बजटेड कैपेसिटी पे लेंगे, फिर हम यूज़ कैपेसिटी क्यों लेंगे, राइट? क्लियर है? सो इस चीज का नोट लिख लो, द फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल बी अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड कैपेसिटी. राइट? सो अगर अब वेरिएबल की बात करें, मैंने कहा वेरिएबल एक्सपेंसेस जो 6800 के हैं दैट विल वेरी विद द यूजेज, तो हम उसको किस पे पोर्शन करेंगे? यूजेज की बेसिस पे. क्लियर? वेरिएबल एक्सपेंसेस विल बी अपोर्शनड on the basis of actual usage. क्लियर है? तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हैं तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बजटेड कैपेसिटी. राइट? टोटल कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारी यूजेज के साथ वो एक्सपेंसेस वेरी नहीं करेंगे. जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो हमारी यूजेज के साथ वेरी करेंगे, तो इसलिए वो एक्सपेंसेस को हम एक्चुअल यूजेज पे अपोर्शन करेंगे. क्लियर? चलो, अब इसकी अगर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी हो आपको तो कैसे बनाओगे? ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ओवरहेड, देन बेसिस, देन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. हेयर वी हैव ए
बी देन सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई. क्लियर. अब इसमें हमारे पास एक्सपेंस सिर्फ एक ही है लेकिन उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब उसने क्या बोला, फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट को आप किस रेशियो में करोगे, बजटेड कैपेसिटी की रेशियो में, दैट इज 10:20:12:8, राइट. 10:20:12:8 की रेशियो में. क्लियर है. तो ये मेरे पास कितनी आ गई, 500, 1000, राइट, देन 600 एंड 400. ये तो थी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट. अब दूसरी मेरे पास क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट. अब वेरिएबल कॉस्ट को किस बेसिस पे करूंगा, एक्चुअल यूजेज पे, दैट इज 8:13:7:6. 8:13:7:6, राइट. तो ये मेरे पास कॉस्ट आई 1600 ए की आई, राइट, 2600 बी की आई, 1400 एंड 1200. क्लियर. अब मेरे पास अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मेरे पास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ए की कॉस्ट दी हुई है हमें, राइट. तो इसका टोटल कर लेंगे, ये मेरे पास बना 2100, 3600, 2000 एंड 1600. क्लियर है. अब क्वेश्चन पढ़ो. उसने क्या कहा कि डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई को सर्विस दे रहा है लेकिन वाई नहीं सर्विस दे रहा उसको, तो पहले किसकी कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे, पहले हम करेंगे एक्स की कॉस्ट को. किस रेशियो में करेंगे, वो हमें दी हुई है 13:6:1 की रेशियो में. अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आया, अगर एक्स की कॉस्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस रेशियो में, 13:6:1 की रेशियो में, राइट. तो ये मेरे पास अब कॉस्ट कितनी बनेगी, ये बनेगी 1300, राइट, 600 एंड 100. क्लियर. ये मेरे पास निल हो गई. अब इसका मैं टोटल कर लूंगा, ये मेरे पास आएगा 3400, राइट, 4200. ये मेरे पास निल हो गई और ये मेरे पास हो गई 1700. अब क्या हुआ, ये मेरी टोटल कॉस्ट होगी वाई डिपार्टमेंट की. ये क्या थी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एक्स, राइट. तो ये मेरी होगी टोटल कॉस्ट. अब वाई की कॉस्ट को मैं अपोर्शन करूंगा किस रेशियो में, वो कहता है जो वाई सर्विस दे रहा है वो इन द रेशियो ऑफ, वेयर इट इज गिवन, 31:3 की रेशियो में, राइट. दैट मीन्स अब मैं 1700 को डिवाइड करूंगा ना कि 1600 को. अब y की कॉस्ट को मैं डिवाइड करूंगा 31:3 की रेशियो में. क्लियर है. ये मेरे पास आएगी 1550, राइट, एंड b को आएगी 150. ये मेरे पास निल है, ये मेरे पास 1700 मेरे पूरे हुए. क्लियर. दिस कम्स टू 4950 एंड दिस कम्स टू 4350. दिस इज निल. नाउ क्लियर, दिस इज हाउ वी हैव टू मेक द स्टेप्स इन द स्टेप लेडर डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अपोर्शन करो जिस डिपार्टमेंट ने सर्विस दी है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, राइट. अगर ऐसे दो से ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट है तो जिस सर्विस डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा सर्विस दी है उसकी कॉस्ट को सबसे पहले अपोर्शन करो.
क्लियर. नाउ व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन इज कि आगे जब हमें उसे, अब हमने क्या किया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स तक तो ले गए इसे. अब जब प्रोडक्ट की कॉस्ट में लेके जाना है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए गए हैं और हमें पर लेबर आवर की कॉस्ट बतानी है. ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, राइट. डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए गए 1650 एंड 2175, राइट. सो दिस इज माय टोटल कॉस्ट. इसको मैं बोल दूंगा 1, इसको मैं बोल दूंगा 2. अब मेरी कॉस्ट पर आर क्या आएगी, मेरी 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट. 4950 डिवाइडेड बाय 1650, दिस कम्स टू 3 एंड दिस कम्स टू 2 आवर्स. क्लियर. अगर ये पार्ट अभी नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एब्जॉर्प्शन करने वाले हैं, राइट. एब्जॉर्प्शन करेंगे, वहाँ पे पूरा समझ आएगा. लेकिन सिर्फ इतना समझ लो कि ये पार्ट किया क्यों है. जब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था तो हमने कहा था सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है. जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टोटल कॉस्ट मेरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गई तो वहाँ से मुझे कॉस्ट कहाँ पर लेके जानी है, अपने फिनिश्ड गुड में. तो जब कॉस्ट फिनिश गुड में लेके जानी है तो उसके लिए हमें कहा गया कि आप डायरेक्ट लेबर आर्स के बेसिस पे कॉस्ट लेके जाओ. कोई ना कोई कैरियर चाहिए वहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने कैरियर दिया हमें डायरेक्ट लेबर आर्स. वो डायरेक्टली क्वेश्चन में हमें दिया गया, राइट. जो बेसिक समझने वाली बात थी कि स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन हमें करनी कैसे है, राइट. इसमें अब दो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी. एक तो अगर ये फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए गए, इनको कैसे डिवाइड करेंगे, राइट. और एक चीज़ थी कि अगर एक से ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट हैं जो तीसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं तो उस केस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है. उस केस में जो सर्विस डिपार्टमेंट ज़्यादा सर्विस दे रहा है उसको सबसे पहले अपोर्शन करो, उसके बाद दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपोर्शन करो, फिर तीसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जाकर अपोर्शन करो बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट. सो सबसे पहले मेथड था हमारे पास डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आया हमारे पास स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट. तो अगर हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हमारे पास दो मेथड्स अब कंप्लीट हो चुके हैं, राइट. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला मेथड स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड. रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड, राइट. अब इसमें मेरे पास दो मेथड्स हैं, दैट इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन राइट एंड द सेकेंड वन इज साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. क्लियर. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर में हम करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. वेरी सिंपल मेथड्स, तो दोनों कवर कर लेंगे दो लेक्चर्स में, राइट. सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन ईमेल at ksjteaching@gmail.com, right. You can also join me on the Telegram app. If you have any queries, if you want the notes, you want the questions, you can join me on the Telegram app. Search for the KSJ Teaching channel, right. And I'll be providing the channel link in the video description also. You can come and join to the Telegram app where I will be providing you with the notes, with the questions, and I'll be taking up your queries also there, right. So please do join me there, right, friends. So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.